नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रमा जादौन। जब से कोविड-19 ने भारत में दस्तक दी है और लॉकडाउन हुआ है, तब से ही मनोरंजन के जितने भी साधन हैं वो भी बंद थे। अब जब पूरे भारत में लॉकडाउन खुल चुका है और सभी कारोबार भी चल रहे हैं, लेकिन मनोरंजन के समाधान अभी भी नहीं खुले। पिछले दिनों पंजाब सरकार द्वारा हिदायतें दी गई थी कि सिनेमाघरों में 15 अक्टूबर से खोलने की इजाजत दी जाती है, लेकिन हिदायतें इतनी सख्त हैं कि सिनेमाघर वालों ने अपने सिनेमाघर न खोलने का फैसला लिया है। वहीं फिलहाल पंजाब सरकार ने भी दोबारा हिदायतें देते हुए सिनेमा हॉल बंद रखने के हुक्म दिए हैं। प्राइम न्यूज 24 के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। जी, 15 अक्टूबर को क्या कि खोल दिया जाए हिदायतों के मुताबिक सिनेमा हॉल, क्योंकि मनोरंजन के साधन काफी समय तो रुके हुए, फिर सरकार ने कह दिया कि नहीं, हाले फिलहाल खोलिया जाएगा। की कहना चाहते हो, किन्ना को नुकसान उठाना पै रहा, अगर हिदायतों मुताबिक खोल दे तो तुम्हें कोई फायदा हो सकता? देखो जी, नुकसान तो पिछले 6-7 महीने तो सदा सिनेमा बंद पाया जी, तो खर्चे सानू तो देने, बिजली का बिल भी आ रहा, सारा कुछ तो देना पै रहा, लेकिन सरकार ने जी गाइडलाइन दी थी वो मुताबिक अभी नहीं खोल सकते, क्योंकि अगे अभी घाटे जा रहे हैं। 50% इन्हें सीटा की फूड इन्होंने अंदर बंद कर दिता है, इस करके असी सरकार की जी गाइडलाइन 15 अक्टूबर तो पहले आई है कि वह नहीं असं नहीं खोलना जी। की चाहते हो, तुम्हें की लगता कि किस तरीके की चेंजिंग करे गाइडलाइनस? सर, गाइडलाइनस की चेंजिज तो चलो सरकार करेगी, चंगी गल है, लेकिन अजे कोविड का पूरा खतरा है, अंदर एसी यूसी चलने होंगे, तो मेरे हिसाब से सरकार अजे बंद रहने देना इन्हों। ठीक है।